हेलो फ्रेंड्स, कुक विद पैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मटर पनीर सबको बहुत ही पसंद आता है और ये बहुत ही कॉमन सी डिश है जो हर घर में बनती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि पंजाबी स्टाइल में ही मटर पनीर कैसे बनता है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। इसके लिए मैंने कुछ प्याज छील लिए हैं, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हैं, एक इंच अदरक का टुकड़ा है और इन सब चीज़ों की मैं फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। देखिए, यहाँ पे मैंने अनियंस की पेस्ट बना ली है, थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल मैंने महीन सी पेस्ट कर ली है अनियंस की। और मैंने अदरक और लहसुन की भी अलग से पेस्ट बना ली है और टमाटर और हरी मिर्च की भी मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है जिसको मैंने चकोर टुकड़ों में काट लिया है। पनीर यहाँ पे हम बिल्कुल फ्रेश यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ताज़े मटर लिए हैं। आप चाहे तो फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से आप मटर लें। देखिए, मैंने कुकर में, प्रेशर कुकर में मैंने तेल को गर्म कर लिया है और इसमें अब मैं अदरक और लहसुन की पेस्ट डालकर इसको अच्छे से भून लूँगी। मीडियम हम यहाँ पर फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें हम एक दो मिनट के लिए अदरक और लहसुन की पेस्ट को भून लेंगे। देखिए, अदरक और लहसुन की पेस्ट भून गई है। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। जब इसमें से खुशबू आने लग जाए तो अब हम इसमें प्याज की पेस्ट ऐड कर लेंगे। एक बाउल प्याज की पेस्ट मैंने यहाँ इसमें डाल दी है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना ही बहुत ज़्यादा कम रखेंगे। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे। देखिए, मसाले का रंग काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और हमारे प्याज और अदरक लहसुन जो है वो गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटो की पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे और उसके साथ अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से मिलाते हुए आप इस मसाले को भून लें। देखिए, मेरे को अब इसको भूनते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं और देखिए पैन में ऑयल जो है मसाले से अलग हो गया है और इसका रंग भी काफ़ी चेंज हो गया है, ये गोल्डन हो गया है अच्छे से। इसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर। इसके साथ हम यहाँ पर देगी मिर्च और लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और देगी मिर्च से इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ हम यहाँ पर इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। इसमें मैं यहाँ पे 1 चम्मच किचन किंग मसाला भी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें पानी ऐड कर ले जिससे कि मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब 1-2 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही भूनते रहें मसाले को। देखिए, घी पैन से अलग हो रहा है। अब इसमें मटर को अच्छे से धो करके मिक्स कर लें और हम मटर को इसके साथ 5 मिनट तक ऐसे ही स्टर करेंगे जिससे कि मटर भी इसमें भून जाएंगे
और अब हम इसमें 2 ग्लास पानी डालकर इसको 4-5 इसको हम विसल्स दिलवाएंगे, जिससे कि मटर अच्छे से गल जाए। देखिए मैंने इसको 4-5 विसल दिलवा ली हैं और देखिए इसका रंग कितना अच्छा आया है और मटर भी एकदम से गल गए हैं। फ्लेम को मीडियम करके अब हम इसमें पनीर को ऐड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया ऐड कर लें। अब इसको ऐसे ही लो फ्लेम पर ढक करके 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही कुक होने दें। इसको हम लो फ्लेम पर ही ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि ये सब्जी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। देखिए इसको अब तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं और इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। ये आपकी सब्जी सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल पंजाबी स्टाइल मटर पनीर सब्जी है, जो आप अपने गेस्ट को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं, और अपने जो अनुभव हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल कुक विद पैशन को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।